देखिए यहाँ पर जो बिल निकला हुआ है इसे आप देख लीजिए, टैली प्राइम में ये मैंने बिल निकाला है, और ये बिल जब प्रिंट किया है तो यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्वांटिटी का कॉलम है, फिर रेट का कॉलम है, फिर यहाँ पर यूनिट का कॉलम अलग से है कि कौन सा यूनिट आपने लगाया, यहाँ पे PER लिखा हुआ है, और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम अलग है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल हो गया, फिर यहाँ पर जो CGST SGST लगा है वो अलग अलग यहाँ पर आया हुआ है, और फिर यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितने वैल्यू पर टैक्स लग रहा है, तो 5-5, 10 हजार पे लग रहा है, और कितना परसेंट लग रहा है, तो 5% लग रहा है, फिर 4% इस पे लग रहा है, यानी 5% बाम पे लग रहा है और 4% अलग से रेट आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट जो है अलग से आ रहा है, फिर यहाँ टैक्स रेट, ये सारी चीजें अलग अलग करके दिखाई जा रही है, और यहाँ नीचे टोटल और टैक्स का टोटल अलग से होके आ रहा है। तो इस तरह का बिल अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, सेटिंग कैसी होगी टैली प्राइम में, आइए दिखाता हूं। तो यहां से पहले बाहर आ जाते हैं, यहां पे परचेज वाउचर में ये एंट्री पास की है और अलग अलग आइटम पर टैक्स लगाया है, ठीक है। अलग अलग आइटम पर कैसे टैक्स लगाते हैं इस पर कई वीडियोस पहले ही बना चुका हूं। अभी हम चलेंगे कहां, सीधा प्रिंटिंग पे। तो यहां ऑल्ट के साथ पी प्रेस करना है, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां आपको इस तरह से ये दिखाई पड़ेगा। अब एंटर प्रेस कर दीजिए, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमें जाना है कहां, कॉन्फिगरेशन की, ये जो बटन है यहाँ पे सी प्रेस कर दीजिए आप। जैसे सी प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन वाली पूरी विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं सो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यस रखना है। फिर ये दिया हुआ है सो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, इसको भी यस रख दीजिए, ठीक है। अगर आप टैक्स के एनालिसिस को भी दिखाना चाहते हैं तो आप इसको भी यस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां से यस कर दीजिए तो ये भी आएगा, ठीक है। और फिर यहां पर दिया हुआ है सो HSN ऑब्लिक HSC कोड, तो HSN कोड अगर दिखाना चाहते हैं तो इस कॉलम को भी आप यस कर सकते हैं। तो ये सारे कॉलम्स आएंगे, यहाँ शो मोर पे जाएंगे तो और भी ज्यादा कॉलम्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप कुछ और भी इसमें यस या नो करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार, लिस्ट ऑफ कॉन्फिग्रेशन में यहाँ पर यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट, तो इसे मैंने यस रखा है। फिर यहाँ पर शो चेक्ड बाई एंड वेरीफाइड बाई, इसको भी यस रखा है, प्रिपेयर्ड बाई को यस रखा है, सीरियल नंबर को यस रखा है, क्वांटिटी को यस रखा है, और यहां पर देख सकते हैं अल्टरनेट यूनिट को भी यस कर दिया है। तो इसे मैं ऑफ कर देता हूं, अल्टरनेट यूनिट की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये रेट वगैरह ये सब हमने यस रखा है, गोडाउन हमने बनाया नहीं है, और यहाँ बैचेस की डिटेल को भी यस रखा है। अगर आप दवाइयों का कारोबार करते हैं तो आपको बैचेस की डिटेल की जरूरत पड़ती है, तो इसको भी मैंने यस रखा है। तो बाकी आप देख लीजिए, और यहां पर हमको टाइटल कौन सा प्रिंट करना है तो हमने दे दिया जय माता दी। आप को जो भी टाइटल आपको देना हो आपके अकॉर्डिंग, आपके दुकान के अकॉर्डिंग आपका जो भी टाइटल होता है वो आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यही टाइटल है तो हमने यही दे दिया है, ठीक है। अब यहां से कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं, और कंट्रोल ए प्रेस करके अब इसका प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रीव्यू देखेंगे तो ये इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू, ये इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का बिल अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको ये सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, तब आप इस तरह का बिल प्रिंट कर पाएंगे। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी कि इस तरह का बिल आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।